टांगने वाला और प्लेटों वाला, इसे वाले पल्ले हो, सेल्फ हो, इसके अंदर कप या कोई छोटा किचन बोला जाता है, फुट गहरा और सिंक था, डबल वाला सिंक था, कब्जों के साथ वाले कब्जों का प्रयोग किया, देसी के साथ मॉडुलर हो गया है ये, तो वो भी जाली के अंदर रखा था, कवर लगाए गए हैं ताकि एक मंदिर ये फोल्ड हो जाए। और किचन लेके आए हैं, सभी के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, इसके अंदर भी अलग अलग खासियतें होती है और हर एक किचन का अलग हिसाब से ही काम करना होता है। तो यहाँ के लिए भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का किचन बना हुआ है। तो ये जो किचन बना हुआ है ना, नीचे से पूरा पत्थर का बना हुआ है, उसके ऊपर हमने एक तरह से पूरी मजबूती के साथ बड़े बड़े पल्लों को लगाया हुआ है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं, इस साइड से आ जाते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम काम करते हैं। तो इस साइड में एक रिक्वायरमेंट थी कि बर्तन टांगने वाला और प्लेटों वाला इधर की साइड लगाया जाए और बॉक्स के अंदर हो, बंद हो, और वो जो है यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे खिड़की आ गई है, वेंटिलेशन के लिए सही रहती है। और रिक्वायरमेंट थी कि ये शीशे वाले पल्ले हों और एल्यूमिनियम के पल्ले हों, मतलब पूरा की पूरा ग्लास जैसे पूरा लुक दिखाई देता है ना, वो पूरा दिखाई दे, पूरा शीशा ही शीशा इसमें दिखाई दे रहा है, बस इसमें फ्रेम है और बाहर की साइड से पूरा की पूरा शीशा दिखाई दे रहा है। और इस साइड में एक खाना, मतलब तीन पल्ले कर दिए गए हैं। और ये चिमनी के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है, चिमनी अपने आराम से जाके और पाइप के अंदर लग जाएगी ऊपर की साइड में। रिक्वायरमेंट ये बनी कि नीचे की साइड में भी शीशे का एक सेल्फ हो और इसके अंदर कप या कोई छोटे मोटे डब्बे रखे जा सकते हैं, तो नीचे भी यही कर दिया गया है। अब इस साइड आ जाते हैं, इस साइड भी जैसे सेम सेमेट्री दिखाने के लिए, और किचन भी एक तरह से यू शेप का किचन बोला जाता है इसको, 2 फुट इधर और 2 फुट और बीच में, तो एक सेमेट्री दिखाने के लिए इसको इस तरह से दोनों एक तरह के बनाए गए हैं। इसी तरह से 2 पार्ट इधर की साइड डिवाइड कर दिए गए हैं, ये 1 फुट गहरा और 2.5 फुट 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे की साइड में पूरा सिंक था, डबल वाला सिंक था, तो ये देखिए पूरा 2 फुट का पल्ला है और बहुत ही मजबूत कब्जों के साथ, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि ये पूरा ही पूरा मजबूत हो, और यहाँ पे वो एल वाले कब्जे, मजबूत वाले हैवी वाले लगा रखे हैं ताकि ये कभी लटके ना। ये देखिए इस साइड में पूरा बड़ा है। और अब इधर की साइड आ जाते हैं, कॉर्नर की साइड में, तो कॉर्नर में भी लंबे वाले कब्जों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए साइड में इस, ये वाला जो कब्जा है ना, थोड़ा देखने में बेशक कैसा भी लग रहा हो, पर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर, क्योंकि ये पहले लगे करते थे। ये देखिए इसमें भी लंबा कब्जा ही लगा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो देसी के साथ मॉडुलर हो गया है ये। यहाँ टेंडम बॉक्स का प्रयोग हुआ है, इनोटेक या टेंडम कुछ भी बोला जा सकता है, कई कई नाम है इसके। ये देखिए सॉफ्ट क्लोज जा रही है, बहुत आराम से बंद हो रही है, अपना लास्ट में जाके अपना आप 2-3 इंच बंद हो जाती है। और जिस प्रकार इधर की साइड था उसी तरह से इधर की साइड भी है ये कॉर्नर, पूरा बड़ा सा कॉर्नर। और इधर की साइड में भी एक कॉर्नर, और 2 बास्केटें जाली वाली भी रख दी गई है यहाँ पे, ताकि जो कुछ जाली में रखने का सामान हो तो वो भी जाली के अंदर रखा जा सके। यहाँ पे इस तरह के हैंडलों का प्रयोग किया गया है, ये एल्युमिनियम के हैंडल आया करते हैं, प्रोफाइल वाले हैंडल बोलते हैं इन्हें, और इसमें साइड में जो है ना प्लास्टिक के कवर लगाए गए हैं ताकि एल्युमिनियम की धार काफी मजबूत हो जाती है और तीखी हो जाती है, तो ये कटे ना, प्लास्टिक होने के कारण हाथों को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला इसमें। और लास्ट में एक बड़ा सा पल्ला रख दिया है। और यहाँ पे भी एक पूरा पहले जमाने की अलमारी हुआ करती थी, वो वाली थी, और इसको बिल्कुल लुक एकदम बढ़िया वाला लुक बना दिया इसका, बाहर से सनमाइका लगा के, अंदर से भी पेंट वेंट होके और अंदर से भी क्लियर और एक नंबर की हो जाएंगे। आगे चलते, यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया है, ये देखिए तस्वीरें रखने के बाद मंदिर का पक्का पता चल जाएगा कि हाँ सचमुच में बढ़िया मंदिर है। लाइट देखिए, हमने ये देखिए कितना खूबसूरत ये एक पट्टी दे दी गई है, इसका पता ही नहीं लग रहा है कि भाई लाइट कहाँ से आ रही है, और फोटो वगैरह मूर्ति वगैरह रखने के बाद इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
यहाँ पे जैसी ग्राहक की रिक्वायरमेंट होती है, पल्ले चाहिए तो पल्ले ही हमने लगाए। और ये जो है जोत बत्ती लगाने के लिए एक वो रख रखा है फट्टा। और सबसे बड़ी बात होती है ना, इसमें छोटे भगवान यहाँ रख सकते हैं, नीचे की साइड भी। अधिकतर मंदिर में देखते हैं कि नीचे की साइड ही होता है, और नाभि से नीचे मतलब भगवान जी नहीं होने चाहिए एक तरह से कहा जाता है। तो ऊपर की साइड भी तस्वीर बड़ी सी रखी जा सकती है, नीचे से ना रखने की जगह ऊपर की साइड रखी जा सकती है। नीचे की साइड भी गंगा जल वगैरह या काफी सारे फूल वगैरह या कुछ भी पैसे वगैरह जमा करके रखे जा सकते हैं। एक नीचे की साइड में एक ड्रोर है, ज्यादा गहरा नहीं है ये, लगभग 1 फुट के करीब ही गहरा है, क्योंकि यहाँ दरवाजा भी था और दरवाजे में दिक्कत होती, तो 1 फुट गहरा है और 4 फुट के करीब लंबा और 2.5 फुट के करीब चौड़ा है। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बढ़िया वाली एक टेबल दिखा देते हैं आपको। हाँ, थोड़ा सा पीछे से बनाइए ना। ये फोल्ड हो जाएगी, आपको नहीं जरूरत है तो यहाँ पे सोफा आगे सरकाया जा सकता है, और जरूरत हो तो आराम से यहाँ पे कुर्सी डाल के पढ़ा भी जा सकता है।